हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे गोरखपुर। मुख्यमंत्री करेंगे कई कार्यक्रमों में शिरकत। 30 नवंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित योग संगम में शिरकत करेंगे सीएम योगी और श्री गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ का करेंगे शिलान्यास। 1 दिसंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकाली जाएगी विशेष स्वच्छता रैली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली को रवाना। डीएम और महापौर ने की तैयारियों की समीक्षा। डीएम ने कहा स्वच्छता रैली को बनाए सफल। मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के 2 छात्र संगठनों में हुई विवाद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति से की मुलाकात। कुलपति ने कहा जांच के बाद होगी दोषी छात्रों पर कार्रवाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई साफ सफाई से संबंधित सुपरवाइजरों के साथ बैठक। जिलाधिकारी ने कहा 1 दिसंबर से कराया जाएगा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित हुई जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव का विदाई समारोह। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव के स्पॉन्सर की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जापान में 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित 17वीं एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में पूर्वोत्तर रेलवे की 5 महिला खिलाड़ी हुई चयनित। महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने जताई प्रसन्नता। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक। अस्पतालों में दलालों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने सहित दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल की मूलभूत समस्याओं को लेकर कुलपति से मिले छात्र। कहा निरीक्षण कर देखें हॉस्टल की समस्या। कुलपति ने कहा होगा समस्याओं का समाधान। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए बढ़ाई गई तिथि। उपायुक्त उद्योग ने दी जानकारी। जनपद बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी। पूरे जज्बे के साथ खेल रहे हैं सभी प्रतिभागी खिलाड़ी। और GCA अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग में गोरखपुर रेड ने SKP बस्ती को 32 रनों से हराया।